हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राय, जीव विज्ञान शिक्षक, किसान इंटर कालीपरणी चंदौली। बच्चों, आज हम कक्षा 12 के विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत पाठ पांचवा है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत के अंतर्गत टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग, क्या लिंग निर्धारण। उसके अंतर्गत हम लोग गुणसूत्रीवाद का लिंग निर्धारण पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरा, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, उसको क्या कहते हैं हम लोग, अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण। यहाँ पे गुणसूत्र समुच्चय संख्या, क्रोमोजोम सेट संख्या क्या करती है, डिटरमाइन करेगी कि होने वाला संतान क्या है, नर है कि होने वाला संतान मादा है। अर्थात यहाँ पे अगुणित माने हेप्लॉयड यन, और द्विगुणित माने होता है डिप्लॉयड 2n। यन और 2n जो सेट ऑफ क्रोमोजोम है वो डिटरमाइन करें कि होने वाला संतान नर होगा कि मादा। आइए मधुमक्खी में देखते हैं। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है, उसके अंदर तीन तरह के सदस्य पाए जाते हैं। एक मादा सदस्य होती है, और मादा सदस्यों के अंतर्गत दो आते हैं, एक रानी आती है जो फर्टाइल होती है। उसका मुख्य कार्य क्या है, निषेचन में भाग लेना, साथ में अंडे देना होता है। उसी मादा के अंतर्गत आती है क्या, श्रमिक होती है, ये स्टेराइल होती है, बंदी होती है। इनका मुख्य कार्य क्या है, जितना भी छत्ते की मरम्मत है, अन्य जो भी कार्य है वो आपके श्रमिक करती हैं। यही श्रमिक की होती हैं, मोम पिछले वाले भाग से मोम निकालती हैं, मोम से ही क्या होता है आपका छत्ता बनता है। और यही कार्य और सभी जितने भी कार्य होते हैं श्रमिक मक्खी करती है। ये क्या होते हैं, ट्वेन होते हैं, अर्थात इनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है। जबकि जो नर होता है, जिसे हम लोग ड्रोन बोलते हैं, वो अगुणित होता है, वो फर्टाइल होता है। उसका मुख्य कार्य क्या है, निषेचन में भाग लेना होता। उसमें गुणसूत्रों की संख्या यन होती है, अर्थात वो हैप्लॉयड होते हैं, इसीलिए नर होते हैं। आइए देखते हैं कैसे सेक्स डिटरमिनेशन होता। ये जो मादा है, मादा में गुणसूत्रों की संख्या 32 है, जबकि नर में क्या है, 16 है। मादा में जब युग्मक बनते हैं तो युग्मक बनने के लिए और सूत्री विभाजन होता है, मतलब मियोसिस सेल डिवीजन होता है, जिसके उपरांत गुणसूत्रों की संख्या युग्मक में आधी हो जाती है। यहाँ पे हम लोग दो युग्मक दिखाए हैं। जबकि नर में क्या होता है, सूत्री विभाजन, तो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, जिससे आपके जो युग्मक बनता है उसके गुणसूत्रों की संख्या नर जनक के समान ही होती है। अब यहाँ पे एक युग्मक इसका मादा युग्मक है, नर युग्मक आपस में मिलते हैं तो युगुनज बनता है जायगोट, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 32 होगी, तो यह संतान मादा कहलाएगी, चाहे वो रानी हो चाहे वो वंद्य हो। रानी होना किस पे डिपेंड करता है, रॉयल जेली एक भोज पदार्थ है उसको दिया जाता है, तो वो फर्टाइल हो जाती है और रानी का रूप ले लेती। जबकि मादा जो मादा से जो उत्पन्न हुआ है और विभाजन युग्मक, वह निषेचन में भाग नहीं लेता, बल्कि डायरेक्ट वो नर सदस्य में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या हम बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। जब अनिषेचित जो एग होता है, अंडा होता है, वह डायरेक्टली सीधे नर सदस्य में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। यहाँ पे नर में गुणसूत्रों की संख्या यन है, यन बराबर 16 है, 16 है, जबकि यहाँ ट्वेन बराबर मादा है। इस तरह क्या होते हैं, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया देखी जाती।